हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कारपैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम है सिलेरियो में एंड आज हम करने वाले हैं इस कार का हाईवे रिव्यू। देखने के ये कार हाईवे पे चलने पे कैसी है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इस कार को हाईवे पे ले जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस कार को कभी हाईवे पे नहीं ले गया। तो आज हम देखेंगे कि हाईवे में इस कार की स्टेबिलिटी कैसी है एंड कितना सेफ फील करते हो आप इस कार को हाईवे पे ड्राइव करते समय एंड कितना कंट्रोल देती है ये कार आपको। सो आज सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एंड इस हाईवे पे मैं इसको रन करके देखूंगा कि मुझे कितनी स्टेबिलिटी मिल रही है इस कार में और कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है इस कार को चलाते हुए। बिकॉज मारुति है, थोड़ा सेफ्टी कंसर्न रहता है इस कार के साथ। तो कई लोग यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार कि हाईवे के लिए कार कैसी है। तो आज हम यही देखेंगे इस वीडियो में कि हाईवे में ये कार मुझे कितना कॉन्फिडेंस दे रही है और मुझे कितना सेफ फील हो रहा है इस कार में एंड क्या एक्सपीरियंस रह रहा है इसको हाईवे पे ड्राइव करते समय। सिटी के लिए तो मैं इसको नॉर्मली ड्राइव करता ही रहता हूँ। सो आज ये फर्स्ट टाइम है मेरा भी इस कार को हाईवे पे ले जाके। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि क्या एक्सपीरियंस है मेरा इस कार के साथ हाईवे पे एंड कितना क्या फील आ रहा है मुझे जब मैं इस कार को हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा हाईवे पे। सो भाई लोगों, देखो मारुति की कार है तो ये चीज़ तो हमेशा रहती है कि लोगों के माइंड में कि यार ज़्यादा सेफ नहीं है, सेफ्टी इश्यूज़ रहते हैं मारुति की कार में एंड लोग वैसे तो देखो यार नॉर्मली लोग ऑल्टो को भी हाईवे पे लेके चलते हैं, लोग स्विफ्ट भी हाईवे पे लेके चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग हाईवे पे यूज़ नहीं करते कार्स का, हाईवे पे लोग यूज़ करते हैं। बट जैसा देखते हो यार, जैसे जिस हिसाब से ये कार सेफ्टी देती है तो कई लोग अवॉइड भी करते हैं ऐसी कार्स को हाईवे पे, बिकॉज हाईवे पे जिस स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं तो उस स्पीड में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कई बार जजमेंट लेने का। तो ये रीज़न होता है कि कई लोग अवॉइड करते हैं ऐसी कार्स को हाईवे पे ले जाना। बट बेसिकली यार इस वीडियो का मोटिव यही है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कार कितनी ज़्यादा स्टेबल है हाई स्पीड पे, कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे दे मिल रही है इस कार पे। देखो नॉर्मली मैं इतनी ज़्यादा हाई स्पीड चलाता नहीं हूँ, बट मैं इस कार को मैंने अभी 120 टच किया था एंड 120 पे मुझे इस कार में, देखो सही बताऊँ तो 80-100 में तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, कार काफ़ी अच्छा दबके चल रही है। बिकॉज हैचबैक कार्स हैं, नीचे आप बैठते हो ग्राउंड से लग के, तो वो स्टेबिलिटी मिल रही है इस कार में। 80-100 बिल्कुल भी पता नहीं चल रहेगा, 100 अबव जाके आपको थोड़ा बहुत फील आएगा कि कार में आपको उतना कंट्रोल नहीं हो रहा और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको लगेगी, बट वो लगेगी अब जब आप 100 क्रॉस करते हो। इसी के अलावा अगर मैं वैगनार भी पहले मैं यूज़ करता था, वैगनार में आपको ये 80 के बाद फील होने लग जाता था कि कार उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रही है। 80-100 में आपको फील आता था वैगनार में कि यार बिकॉज उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, आप थोड़ा ऊंचा बैठते हो, बॉडी रोल थोड़ा उस कार में ज़्यादा है। तो ये कार में उतना वैसा नहीं है, स्टेबल है कार। 80-100 के बीच में भी आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा, 100 अबव जाने पे थोड़ा बहुत फील होता है बिकॉज जो बिल्ड क्वालिटी यूज़ की गई है उसकी वजह से रोड नॉइज़ है कार में। रोड नॉइज़ आपको आएगा कार में, रोड नॉइज़ आ रहा है कार में। बाकी इंजन में तो कोई नॉइज़ है नहीं इतना ज़्यादा, 3 सिलेंडर कार है बट फिर भी इतना इंजन का इसका नॉइज़ नहीं आता, बट रोड नॉइज़ आपको मिलेगा कार में। उसके अलावा कार अच्छा चल रही है एंड काफ़ी स्टेबल लग रही है। क्या चीज़ बुरी लगी मुझे वो रहा इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स। भाई स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ है, स्टेयरिंग वापस तो भूल जाओ कि वापस इसका स्टेयरिंग कभी आएगा। अब ये पता नहीं पर्सनली मेरी कार के साथ इशू है, बट मैंने मारुति की और कार भी देखी है और कारों में भी स्टेयरिंग को लेकर इशू है, बट पर्टिकुलर इस कार में सिलेरियो में पता नहीं मेरा मॉडल है शायद इसी मॉडल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा स्टिफ स्टेयरिंग है यार। अगर मैं इसकी गाड़ी का स्टेयरिंग हल्का कहीं मूव ही नहीं होता, आप जहाँ रख काटोगे वहीं पर गाड़ी चली जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ स्टेयरिंग है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ मुझे लगी यार। सस्पेंशन भी मेरे को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे इस कार के, तो ये क्या है। बाकी तो ओवरऑल अभी मुझे हाईवे पे ठीक ठाक स्टेबिलिटी मिल रही है इस कार में, बट हाँ जैसे मैं 100 क्रॉस कर रहा हूँ 110-120 के बीच में मुझे फील हो रहा है मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कार में।
ये भी हो सकता है कि यार ये सब सुन के मारुति की बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान के ऐसा फील हो रहा हूँ, बट नहीं वो है, वो थोड़ा 100 पार जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा फील होगा कि स्टेबिलिटी थोड़ा कंट्रोल खो रहा है, गाड़ी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है गाड़ी 100 के ऊपर जाने के बाद, बट ओवरऑल 100 तक आप चल रहे हो तो आपको ऐसा कोई इशू फील नहीं होगा। स्टेयरिंग का बहुत बड़ा एक मेजर इशू मुझे लग रहा है कार में, कि स्टेयरिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है इस कार का। हाईवे में क्या ये कार स्टेयरिंग तो इसका सिटी में भी बहुत हार्ड है, आप सिटी में भी जब इसको चलाते हैं तो बहुत हार्ड स्टेयरिंग है। इसके अलावा गियर शिफ्टिंग भी कार में काफ़ी स्मूथ है, गियर शिफ्ट करते समय भी आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि गियर अटक रहे हैं, बाकी गियर का शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है कार में। एंड अभी मैं चल रहा हूँ 90 पे, कोई फील नहीं हो रहा मुझे, कार काफ़ी ठीक है, स्टेबल लग रही है कार। इनफैक्ट 100 पे भी कार काफ़ी स्टेबल है, बट हाँ जैसे ही हम 100 क्रॉस करते हैं उसके बाद थोड़ा सा फील आता है कि यार कार में थोड़ा सा स्टेबिलिटी इशू हो रहा है, अदरवाइज 100 तक तो कार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है मुझे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही देखो यार बिल्ड क्वालिटी की बात, तो बिल्ड क्वालिटी के लिए तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ऑब्वियसली यार कोई सी भी कार हो, चाहे मारुति हो या कोई सी भी कार हो, जब आप चलाओ हाईवेज पे या जब भी चलाओ तो थोड़ा सा लाइक एक कंट्रोल पे चलाओ, ज़्यादा एक्सलेट मत करो, ज़्यादा स्पीड मत लो यार, बिकॉज कोई सी भी कार हो अगर आप एक सर्टन स्पीड के बाद कुछ होता है तो उसमें कोई भी कार कितनी भी सेफ कार हो आपको डैमेज तो देके जाएगी। सो कभी भी ड्राइव कर रहे हो तो एक सर्टेन स्पीड तक ही, जहाँ तक एक लिमिट है, जहाँ तक आपको लगता है कि आपको यार ये लिमिट अब ज़्यादा हो रहा है तो उससे ज़्यादा एक्सेस में मत जाओ, लिमिट्स का ध्यान रखो कभी भी चलाते समय कार। और बाकी अदरवाइज अभी तक तो मुझे हाईवे में कार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है, ऐसा कुछ इशू मुझे फेस नहीं हो रहा कार से, और सही है। और इसका इंजन भी काफ़ी पैपी है यार, आप जब एक्सलेट करते हो तो रिस्पॉन्स करती है कार, काफ़ी पिकअप काफ़ी बढ़िया है कार का, क्विक एक्सेलरेशन है, आपको फील नहीं होगा कार की दबी दबी लग रही है, 3 सिलेंडर कार है, 1 लीटर इंजन की ज़्यादा आती है तो फिर भी आपको नहीं लगेगा, बिकॉज बॉडी वेट इतना नहीं है कार का, तो एक्सेलेट जल्दी करती है, ज़्यादा अच्छा पिकअप बनाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। काफ़ी इंजन जो है इसका, वैसे भी मारुति के इंजन काफ़ी रिफाइन होते हैं, इसका भी इंजन काफ़ी रिफाइन है, और 3 सिलेंडर होने के बाद भी आपको वो फील नहीं आ रहा कि आप कोई 3 सिलेंडर कार चला रहे हो, और काफ़ी पैपी इंजन है इसका, मज़ा आ रहा है इसके इस कार को ड्राइव करते समय, बिकॉज आप जब भी आप एक्सलेट कर रहे हो, पंजा दबा रहे हो तो रिस्पॉन्स दे रही है कार, तो उस चीज़ में तो कार बढ़िया है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट मैंने आपको बताया, कि एक तो स्टेयरिंग बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है यार, और मेरे लिए तो बहुत मेजर, ठीक है यार हाईवे पे तो फिर भी आप एक जगह चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, ज़्यादा ट्रबल नहीं होता, बट सिटी में भी इसका स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो ये एक इशू है इस कार में, पता नहीं इसे पर्टिकुलर इस मॉडल पे आ रहा है, मेरे मॉडल पे आ रहा है, या फिर सारे सिलेरियो में इशू है ऐसा। अगर आप भी सिलेरियो यूज़ कर रहे हो, आपका भी स्टेयरिंग फीडबैक कुछ ऐसा ही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मेरे को तो सीरियसली इस स्टेयरिंग के साथ इशू लग रहा है, अदरवाइज ठीक है कार, आप हाईवे पे ले जा सकते हो इस कार को एंड हाईवे पे ड्राइव कर सकते हो, बट हाँ उस चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि एक सर्टेन लिमिट तक ही इसको खींचना भगाना, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली 100 क्रॉस करते या 110 क्रॉस करते के बाद थोड़ा सा स्टेबल इशू उसमें मेरे लग रहे हैं, अदरवाइज अगर आप लिमिट में चला रहे हो सर्टेन लिमिट तक तो कोई इशू नहीं है, आप चला सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है अभी कार में। बाकी क्लच काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलूँगा, ठीक है ब्रेकिंग, बट क्लच काफ़ी लाइट है, तो सिटी में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज बहुत लाइट क्लच है इसका। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी सही है, जो इशू आ रहा है वो मेरे को एक स्टेयरिंग का लग रहा है और एक गाड़ी के सस्पेंशन का लग रहा है, तो ये दो इशूज़ हैं। बाकी अदरवाइज हाईवे पे आप ले जाना चाहते हो कार को तो ले जाओ, बेझिझक ले जाओ, बस थोड़ा सा ध्यान उसी चीज़ का रखना कि एक लिमिट अपनी ध्यान रखना बस, कि उस लिमिट तक ही इसको चलाओ जहाँ तक ये गाड़ी कैपेबल है चलने के, ज़्यादा चीज़ें मत भगाना,
बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज कार ठीक है, हाईवे पे आप ले जा सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, बस मैं अपना ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था हाईवे पे, बिकॉज फर्स्ट टाइम इसको मैं हाईवे पे ले जाकर ले गया हूँ, तो मैं वही शेयर करना चाहता आपसे मुझे कैसा लग रहा है इस कार को हाईवे पे ले जाके। तो ठीक है, बट फिर भी मैं तो प्रेफर करता हूँ कोई सेफ कार हाईवे के लिए, तो अगर बट नहीं है ऑप्शन तो यार आप जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस कार को। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।